इंग्लैंड दौरे का ओडीआई फेज हुआ खत्म। इंग्लैंड ने इस फेज को जीता 2-1 से, लेकिन आखिरी मैच जीता है इंडिया ने। और इस सीरीज से और इस ओडीआई फेज से क्या सीख ले सकती है भारतीय दल वर्ल्ड कप से पहले? हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट जी। आज बात करेंगे जो 3 ओडीआई खेला गया भारतीय और इंग्लिश महिलाओं के बीच में, उसको इंग्लैंड ने जरूर जीता 2-1 से। लास्ट मैच दोबारा मिताली राज, एक और 50, लगातार 4 इनिंग्स में 50 हैं मिताली के, और कप्तान ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिताया इस मैच को भी। लेकिन इससे सीख क्या मिलेगा भारत को और क्या लेके जा सकते हैं आगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कुछ शायद चेंजेस करने की वहां पे जरूरत है, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है वो है माइंडसेट और कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स जो हैं वो लगभग एक जैसे हैं, चाहे आप 3, 4, 5 की मैं बात कर रहा हूं, पूनम राउत हो गए, जमीमा हो गई, मिताली हो गई, हरमन हो गए, ये सबका खेलने का तरीका काफी हद तक एक जैसा है। स्ट्राइक रेट के बारे में काफी चर्चा हुई है। देखिए, स्ट्राइक रेट मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर आप शुरू में थोड़ा सा धीमे खेलते हैं लेकिन लंबी पारी खेल सकते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे मिताली ने करके दिखाया कि चलिए शुरू में थोड़ा धीरा खेला, अपना वक्त दिया, लेकिन आप अगर अंत तक वहां पे रहते हैं तो काफी हद तक मेकअप हो जाता है। लेकिन ऐसे ही काफी सारे बैटर्स एक साथ नहीं हो सकते उसी माइंडसेट के साथ, और मुझे लगता है इस इंडियन टीम में वो एक मसला है, कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की जरूरत है। उसका सोल्यूशन वो भी थोड़ा सा है मेरे दिमाग में, आई वुड वॉन्ट योर कमेंट्स ऑन दैट। लेकिन उसके पहले लेट्स टच अपॉन कपल ऑफ थिंग्स। समवन लाइक जमीमा, शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, लेकिन कभी ना कभी, एंड शी इज नॉट अ यंगस्टर एनी मोर, हो गए 4 साल तो कम से कम हो ही गए इस सर्किट में, नाउ शी हैज टू स्टार्ट परफॉर्मिंग एज वेल। उतना वैसा परफॉर्मेंसेस देखने को मिला नहीं है। वहीं पे हरमन का भी ये सीरीज कुछ खास गया नहीं है, तो वो भी एक सोचने वाली बात है। नाउ लेट्स लुक एट द बैटिंग ऑर्डर जो मैं कह रहा हूं। मेरा इसमें 2-3 पॉइंट्स है। एक, जैसे मैंने कहा, एक जैसे हैं काफी सारे बैटर्स, खासकर 3, 4, 5 में। साथ में दीप्ति शर्मा एट 6 इज अ वेस्टेज, क्योंकि शी इज अ रियली रियली गुड बैटर। मैं समझ सकता हूं कि आपने उनको 6 पे रखा है कि चलो मैच फिनिश कर सकते हैं क्योंकि बड़े हिट लगा सकती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो उसको थोड़ा सा पार्क करते हैं उस थॉट को और लेके चलते हैं एक और जो फाइंड ऑफ द सीरीज अभी तक मुझे लगता है, वह स्नेह राणा। शी कैन बैट लाइक दैट, शी कैन हिट बिग। तो आप स्नेह राणा को भी अगर आप जोड़ देते हैं वहां पे 6 पे, सो यू हैव समवन लाइक दीप्ति जिसको आप थोड़ा ऊपर भी खिला सकते हैं। सो पर्सनली स्पीकिंग यू कैन प्ले एक्चुअली दीप्ति एट 3 अगर समवन लाइक मिताली डज नॉट वॉन्ट टू बैट एट 3। बट आइडियली स्पीकिंग आई वुड वॉन्ट मिताली टू बैट एट 3, हरमन टू बैट एट 4, और साथ में दीप्ति भी ऊपर एट 5, देन स्नेह कम्स इट एट 6। एक और प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं बहुत अच्छे जो वहां पे फिट हो सकते हैं, वो है निरंजना नागराजन, जो तमिलनाडु के लिए नंबर 5 पे खेलती हैं और 1-2 साल पहले शतक भी है बंगाल के खिलाफ। सो शी इज वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स लास्ट सीजन डोमेस्टिक क्रिकेट में। सो शी इज अ फास्ट बोलर एज एन अ पेस बोलर, साथ में बैटिंग भी। सो स्ट्रेट अवे एट नंबर 7 यू हैव समवन लाइक हर हु इज एन ऑलराउंडर। अगर वो भी नहीं तो आपके पास वेदा जैसी बिग हिटर भी हैं, वेदा कृष्णमूर्ति, वो भी बड़े शॉट लगा सकती हैं। सो यू हैव दैट, यू नो, वो मोमेंटम देने के लिए पीछे वैसे प्लेयर्स आपको चाहिए, वो हैं आपके पास। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, यू नो, दैट टॉप ऑर्डर, वो 3 नंबर, इस थोड़ा सा माइंडसेट में चेंज करने की जरूरत है। यू कांट हैव पूनम / जमीमा / हरमन / मिताली, ऑल 4 ऑफ देम ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेइंग एट 3, 4, 5। शेफाली, शी इज अ फ्री स्पिरिट, उसको छोड़ देना चाहिए, जस्ट लेट हर लर्न, शी विल मेक मिस्टेक्स, बट वैसे ही वो खेलती है, एंड दैट्स हाउ शी विल गेट सक्सेस ऑल्सो। स्मृति मानदाना, गुड टू सी हर गेट बैक इन टू फॉर्म एंड गेट सम रन आखिरी मैच में। बट दिस इज personally speaking my take away from this ODI series, kyunki ye ODI series as we mentioned is very very important because of the world cup, aage world cup hai, aur mujhe lagta hai is batting order ko leke sochna bahut bahut zaruri hai is waqt bharat ke liye. Kya aapko kya lagta hai, do you agree with me or not? Do let me know comment section mein.
एक और क्विकली बता दूं, बहुत अच्छी खबर ये आया है कि बीसीसीआई हैज डिसाइडेड एंड एंड काइंड ऑफ हैव स्टार्टेड टू प्लान इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट भी. डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, वेरी गुड, अक्रॉस जेंडर, बोथ मेन एंड वुमेन, एंड यू नो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स. तो इट इज अ वेरी वेरी गुड साइन, बट जस्ट होपफुली ऑल ऑफ अस वी आर सेफ, वी आर हेल्दी एंड वी फॉलो प्रोटोकॉल्स, मान के चलेंगे तो होपफुली ये सब भी हो जाएगा. दैट विल हेल्प एवरी वन बिकॉज देर इज अ वुमेन्स वर्ल्ड कप कमिंग अप अर्ली नेक्स्ट ईयर, देर इज अंडर 19 वर्ल्ड कप अर्ली नेक्स्ट ईयर एज वेल. तो काफी कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, आने वाला है अगले 8-10 महीने में, एक साल में. सो डोमेस्टिक क्रिकेट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हियर की बीसीसीआई हैज अनाउंस की यू नो प्लानिंग शुरू हो गया एंड दे आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक क्रिकेट. खैर आपको कैसा लगा डू लेट मी नो, ऑब्वियसली योर ओपिनियंस, डू सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर. Let's build this family of ours. अभी कुछ 4,000 है. Let's quickly build it to 10,000. चलिए इतना ही सही. And not to forget. And I'm going live today around at 12 in the afternoon. So Sunday afternoon 12 o'clock. If you can, do join me. Let's talk cricket. Right. See you for now. Take care. Stay safe. And make sure people around you are safe.